बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार वो पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं, उस तरफ चली गई हैं। अभी मुझसे रास्ता पूछ रहे थे कि इस तरह अबू सरहद, तो मैंने उनको बोला शायद इधर ही है क्योंकि इधर तीन चार इस तरह है हैं। मैं आपके साथ ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये वीडियो ही इसी से रिलेटेड है भाई। एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं इस वक्त टॉप ऑफ द फीफा, सऊदी अरबिया का एक सबसे खूबसूरत गांव फीफा, वहाँ से उसके करीब ही बिल्कुल वहाँ से लाइव हूँ आपके साथ। तो यहीं से ये ली गई वीडियो है। जैसा कि ये बंदे पूछ रहे हैं मेरे से, ऐसे भाई सऊदी अरब आपको पता ही, इनके ऊपर दावत वगैरह आम चलती है, खासकर बाहर जो इस तरह है बनाए होते हैं इन लोगों में, इन लोगों ने वहाँ पर दावत आम चलती है। तो हम गैर मुल्की भाई भी आपको पता है जी थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, तो ऐसी ही एक वीडियो ली गई है फीफा शहर से। अच्छा मैं आपको यहाँ पर शायद वो चलाकर दिखाना शुरू भी कर चुका हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि सऊदी नौजवान लड़के हैं जी जो يا ولد محمد فوزني ونواف يا ولد سرقة حقك يا ولد طبعا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا صورت هاي لوكس गाड़ी होती है, उसके पीछे बैठे हुए थे दो तीन और कुछ आगे चला रहे थे, तो साथ में वीडियो बना रखे थे, और एकदम से ये गाड़ी नीचे खाई में चली गई है। इनकी किस्मत अच्छी कि ये गाड़ी वहाँ ऊपर भाई ऐसे लटक गई है, आप वीडियो में देख सकते हैं, वरना नीचे जितनी खाई है मैं यहाँ से लाइव देखता हूँ, इतनी गहरी खाई है आप यकीन करें कि आदमी नीचे देखकर आदमी का सर चकरा जाता है। और ये जो सड़कें हैं ना यहाँ की, वो टॉप ऑफ द फीफा खासकर, वो बिल्कुल एक गाड़ी जितनी बनाई गई हैं। तो भाई ये इनको अल्लाह ताला की ज़ात ने ही बचाया है। और जो भाई मेरे ईद के दिनों में घूमने फिरने के लिए निकलते हैं बाहर, तो थोड़ी एहतियात करें भाई, यही मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं नीचे देखना जी। अभी यहाँ पर 6-7 दिन हो गए बारिशें चल रही हैं, तो बारिशों के सीज़न में स्लिपिंग बहुत होती है फिर।